सो गाइस फाइनली बाइक का पेट्रोल हो गया है ख़त्म और अभी देखते हैं इसकी एवरेज और आप जो देखोगे ना अनबिलीवेबल भाई मुंह में चला गया पेट्रोल, रुक जाओ। हे गाइस दिस इज यश, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस आज की वीडियो में मैं अपनी जिक्सर जो कि SF155 155 cc है इसका आज हम एक माइलेज चेक करने वाले हैं, बिकॉज मैंने जब से बाइक ली है उसके बाद से मुझे खुद भी नहीं पता कि ये एक लीटर में कितना एवरेज दे रही है। इसकी वजह से आज हम लोग उसको चेक करने वाले हैं। इसमें पहले हम लोग एक लीटर पेट्रोल डालेंगे, उसके बाद चेक करके देखेंगे कितना माइलेज देती है। सो चलो चलते हैं। सो भाई अभी हमारे पास ना एक ये बोतल है जो कि 2 लीटर की है और एक है जो 1 लीटर की है। तो अभी मेरी बाइक में मे बी शायद 1 लीटर या 1.5 लीटर से ऊपर पेट्रोल है, तो वो मैं इसमें डालूंगा, उसके बाद इसमें 1 लीटर में डालूंगा और उसके बाद इस बाइक में डालेंगे, फिर चला के देखेंगे ताकि एक एग्जैक्ट हमें एवरेज पता लग जाए कि इसकी एवरेज क्या है। सो चलो पहले इसको टंकी से तेल निकाल लेते हैं। 2 लीटर तो हो जाएगा शायद ये। हाँ 2 लीटर से ज़्यादा ही आएगा। चलो देखते हैं अपनी बाइक में पेट्रोल कितना है, अभी पता लग जाएगा। सो इससे हम लोग ये इसलिए कर रहे हैं भाई कि इसकी एक एग्जैक्ट हमें लोग एवरेज पता करना चाह रहे हैं कि एग्जैक्ट एवरेज है कितनी देगी, क्योंकि जब से मैंने गाड़ी लिया मैंने खुद भी नहीं पता करा, ना कभी ट्राई करा मैंने इसे कि कितना पेट्रोल देती है, कितनी एवरेज है इसकी। सो चलो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जिस जिसको बाइक लेने का डाउट है जिक्सर में, जो कोई लेना चाह रहे हैं 155 cc BS6 मॉडल, सो आज उनको भी एक डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये ऑन रोड कितनी भगती है। और एक चीज़ और, हम लोग ना इसको ना 2 बंदे बैठ के ट्राई करेंगे, क्योंकि 1 बंदे में ज़्यादा एवरेज देती है, 2 बंदों में कम देती है। सो हम लोग पूरे सेटिस्फेक्शन लेंगे कि मतलब कितने में कैसे एवरेज आएगी, और थोड़ा लोकल भी चलाएंगे और इसको रोड पे भी चला के देखेंगे। सो आज सबके डाउट क्लियर कर दूंगा मैं। सो गाइस देखो पहली बोतल हमारी भर चुकी है, अब ये दूसरी बोतल का नंबर आ गया। सो मेरी बाइक में मे बी 3 लीटर शायद पेट्रोल होगा इसमें। भाई हम गलत थे, 2 बोतल भर चुकी हैं पेट्रोल बाइक में से, खाली होने का नाम नहीं ले रहा। पता नहीं इतना सस्ता पेट्रोल है क्या। चलो और ट्राई करते हैं, अभी एक और बोतल लेके आए हम, तो इसमें भरते हैं भाई मुंह में चला गया पेट्रोल, रुक जाओ। भाई आज मूड खराब हो जाएगा, तो देख रहा भाई वीडियो के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अभी हम लोग इसमें डालने वाले हैं 1 लीटर पेट्रोल और देखते हैं ये कितना चलती है। तो गाइस देख सकते हो अभी मैंने मीटर कर दिया है, ट्रिप बी पे कर दिया मैंने और 0 कर दिया है। अब देखते हैं कितना चलेगी एंड इसकी कितनी एवरेज आती है। सो चलो चलते हैं, इसकी असली औकात आज ही बता देगी हमें। सो चलो चलते हैं। और भाई देख रहा हूँ मीटर पूरा ब्लिक कर रहा है। चलो चलते हैं, टेस्ट करते हैं इसकी असली औकात क्या है। तो अभी क्या है ना, हम लोग इसको ना लोकल में चला रहे हैं थोड़ा सा, और हमेशा याद रखना अगर आपको असली एवरेज चेक करनी हो तो 2 बंदे बैठ के चेक करना, और थोड़ी बहुत लोकल एरिया में, थोड़ी बहुत हाईवे पे, तो उससे एग्जैक्ट तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारी बाइक अगर तुम्हें रोड पर चला रहे हो तब कितना एवरेज देगी, और जब तुम अपने लोकल एरिया में चला रहे हो तब कितना एवरेज देगी। तो इससे तुम्हारी दोनों चीज़ क्लियर हो जाएंगी। कभी भी चेक करना हो हमेशा ऐसे ही चेक करा जाता है, और ये सबसे बेस्ट तरीका है चेक करने का। 2 जने पीछे बैठे हों, मतलब एक चलाने वाला और एक पीछे बैठने वाला, और पहले लोकल एरिया में, उसके बाद आप लोग चलाओ इसको हाईवे पे, और ये बता दें कि आपको असली औकात की क्या है। तो गाइस अपना काम थोड़ा सा ख़त्म हुआ, चलते हैं अभी। और अपनी बाइक अभी चली है करीब 1 किलोमीटर समथिंग, सो इसको कम से कम मैं 3-4 किलोमीटर तो घुमाऊंगा ही ऐसी गलियों में, उसके बाद अपने हाईवे पे निकलेंगे और देखते हैं कितनी चलती है। सो अभी गाइस हम थोड़ा सा अपने भाई का वेट कर रहे हैं, आ जाए थोड़ा सा मिलते हैं। और बाइक देख सकते हो अभी अभी चली है हमारी करीब 2 किलोमीटर चली है,
तो कोई नहीं, अभी से भगाएंगे। जहाँ तक मेरी उम्मीद है, मेरी जो धन्नो है ये करीब चलनी चाहिए। नहीं नहीं करते 40 भी चल जाएगी मैं खुश हो जाऊँगा। मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, बस 40 चल जाए मैं खुश हो जाऊँगा। ऑन रोड भी, ऑफ राइड भी। अभी हम लोग यहाँ से सिर्फ चलने वाले हैं, हम लोग अपना हाईवे पकड़ेंगे हम, और हाईवे पे देखेंगे इसकी क्या असली औकात है। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग आ चुके मेन रोड पे, और मेन रोड पे आने के बाद जाम भी हो रखा है, तो एक अच्छी नॉलेज हमें लोगों को मिल जाएगी। बिकॉज जाम भी हो रहा है, तो जाम में भी अपना रुक रुक के गाड़ी चलती है, तो पता लग जाएगा कि एवरेज कितनी दे रही है। तो दो चीज़ें काफ़ी अच्छी हो गई, एक तो मैंने चला चुके हैं हम लोग गलियों में भी एवरेज के लिए, और प्लस हम लोग चला रहे हैं अभी हाईवे पे, मेन रोड पे चला रहे हैं हम लोग। और सेकंड चीज़, जाम हो चुका है बहुत ज़्यादा, तो इस पर भी एक करेक्ट एज हमें पता लग जाएगी एवरेज की एक क्या दे रही है। और अभी इसको थोड़ा जाम खुलते हैं हम लोग 80 भगाएंगे, 70-80 भगाने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा भगा सकें उतना ज़्यादा हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो चलो चलते हैं। अभी चल चुके हमारी गाड़ी 4-5 किलोमीटर चली, ज़्यादा नहीं चली, और अब इसको हम थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर आवाज़ की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो एक आध दिन मैनेज कर लो। इस वीडियो के बाद मैं इसका डॉक्टर ले लूँगा, तो डॉक्टर लेने के बाद क्या है, इसकी वॉइस काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी इसकी अच्छी आ जाएगी, और डॉक्टर लेने के बाद इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी वॉइस की। अभी मैं आया हूँ रोहन सुजुकी, जहाँ से मैंने अपनी बाइक ली थी, और यहाँ से मुझे अपनी एक आरसी कलेक्ट करनी थी, तो जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा। तो भाई देख सकते हो यहाँ से तुम्हारे भाई ने अपनी ये धन्नो यहीं से परचेस की थी। चलते हैं अंदर आरसी लेते हैं। ये इतनी बढ़िया नहीं लग रही है, सेम 10,000 का फ़र्क है सिर्फ, बट ये इतनी बढ़िया नहीं लग रही मुझे जितनी वो है अपनी, उसकी बात ही अलग है। मत्ते का फर्क है बस, बाकी कुछ नहीं है, सेम है। थोड़ी कंफर्टेबल लग रही है, आवाज़ चेक करें इसकी। हाँ एक सेकंड, पेट्रोल वेट्रोल नहीं है क्या? हैं तो गाइस फाइनली तुम्हारे भाई की आरसी आ चुकी है, और थैंक यू रोहन सुजुकी भाई। थोड़ा टाइम तो लगा आने में, कम से कम 2-3 महीने लग गए थे आने में, इतना टाइम तो लग ही जाता है। तो चलो अभी हमारी गाड़ी करीब चल चुकी है, देख लेते हैं कितना चली है। ये करीब चल चुकी है हमारी, 10 किलोमीटर होने वाला है, तो चलो इसको अभी हाईवे पर चलाते हैं। बंदे ने कर क्या रखा भाई ये के ए। गाइस अगर आपको दिख रहा हो वीडियो में, रुको आगे लेता हूँ थोड़ी इसके बराबर में, या तो ये कर्नाटक है कहीं का है तो बताना प्लीज़ कि ये कहाँ की गाड़ी है, कमेंट कर देना मुझे। जो भी लोग देख रहे हो ये कहाँ की गाड़ी है एक बार कमेंट ज़रूर कर देना और बता देना मुझे। तो गाइस अभी मैं इसे भगाने वाला हूँ करीब, देखते कितना पहुँचती है, इसे पता लग जाएगा ये भगेगी भी कितना। तो देख लो अभी ऊपर है, हम अच्छी पार कर रखी हम लोगों ने, अभी स्पीड जो है वो करीब अपने पार। ऐसा आंखों में आंसू आ गए मेरे। चलो भाई अपनी गाड़ी एक तो भी भगा दी दूसरी बार, फिर ट्राई करते हैं, सेकंड ट्राई करते हैं। तो भागते नहीं भागती, गेयर पे 70।
हम लोग हैं अक्षरधाम और बाइक अपने चल चुके हैं करीब करीब 35 किलोमीटर 34 किलोमीटर चल चुकी है। एक लीटर पेट्रोल में 34 किलोमीटर अभी तक चल चुकी है और देखते हैं कितना और बाकी है। फिलहाल तुम अक्षरधाम को एंजॉय करो। और बाइक हमने आज पहली बार इसको 108 भगाई है, उसके बाद गाड़ी अभी 34 चल चुकी है, बाकी आगे देखते हैं कितना आगे बाकी है, तो वीडियो देखते रहो। सो गाइस अभी देख सकते हो हम लोग इतना घूम फिर के नोएडा से आ भी गए और फिर से हम लोग अभी गली में चला रहे हैं गाड़ी। तो अभी किलोमीटर करीब देन से देख लो अगर तो अभी हुआ है 42 किलोमीटर चल चुकी है। तो सोच सकते हो कि हम लोग नोएडा भी घूमे आए, हम लोग 3-4 जगह भी घूमे, हमने पहले गलियों में भी चला ली, अब भी हम लोग कच्चे रास्तों पर चला रहे हैं गलियों में। तब भी अपनी गाड़ी अभी 42 है और देखते हैं आगे कितना खिंचती है। अब मैं इसको जितना चलाऊँगा ना वो ऐसी रोडों पर चलाऊँगा और देखूंगा इसकी एक एवरेज का एक अलग ही मज़ा आ जाएगा। तो जहाँ तक है मेरे पैसे अब तक वसूल हो चुके हैं, 42 किलोमीटर आ चुके हैं, अब देखते हैं और कितना खींचती है 42 से, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई झटके वटके नहीं मारे बाइक ने जिससे मुझे लगे कि अब बंद होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा मुझे भी। तो आगे का पार्ट ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, अब देखते हैं कितना और चलती है ये और इसको मैं लोकल रास्तों पर चलाऊँगा जहाँ तक है। तो गाइस अभी देख सकते हो 50 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और ये देखो अभी भी गाड़ी में बहुत पेट्रोल लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा इतनी कैसे चल गई है। और अगर इतनी स्पीड रही ना इसकी 50 बहुत होता है भाई, एक लीटर में 50 किलोमीटर चलना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। अभी देखते हैं कितना और चलती है और इसके बाद वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, बट इस वीडियो में ना ये वीडियो जितना जो जो लोग लेना चाह रहे हैं, जिन लोगों ने ले रखी है, जिन्होंने अभी नहीं ली है, उनके लिए कारगर साबित होने वाली है भाई। इतना बढ़िया एवरेज मैंने आज तक नहीं देखा स्पोर्ट्स बाइक में। और जिक्सर अगर इतना अच्छा एवरेज दे रही है ना गाइस, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा आप जिक्सर ही लेना। बाकी एक एक्चुअल पता लग जाएगा इसका भी, ये 55 चलेगी 52 चलेगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये 2 किलोमीटर बाद बंद हो जाएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी देखते हैं ये 55 चलेगी 60 चलेगी जितना भी चलती है देखते हैं अभी एंड चलते हैं। सो गाइस फाइनली बाइक का पेट्रोल हो गया है ख़त्म और अभी देखते हैं इसकी एवरेज और आप जो देखोगे ना अनबिलीवेबल। ये देखो 57, यानी कि हमारी बाइक एक लीटर में 57 किलोमीटर चली है भाई, अनबिलीवेबल। और अभी स्टार्ट करके देख लेते हैं, ये देखो मैं ज़्यादा नहीं करूँगा फूक देगा नहीं तो इसकी वो। तो देख रहा 57 चल गई है अपनी। तो गाइस अपन ने कर लिया अभी इसमें पेट्रोल फिर से फुल और अपनी गाड़ी ने भाई खुश कर दिया मुझे 57 की एवरेज। मान लो अगर इसमें पहले से पेट्रोल भी रिस्टोर हो तब भी मान के चलो ये 50 दे रही है, मैं 7 किलोमीटर फिर भी कम कर रहा हूँ, 50 कहीं दे ही रही है 50, तो कोई शक ही नहीं है 50 तो दे ही रही है भाई अपनी गाड़ी। तो भाई ये थी मेरी वीडियो आज की और देख रहे हो सुबह हम निकले थे 12 बजे और अभी बज गए हैं करीब 7। तो हम लोगों ने ये जो सफ़र तय करा वो थोड़ा रुक रुक के करा, गलियों में करा, आपने देखा होगा वीडियो में ये गलियों में सफ़र तय हुए हैं तो इस वजह से इतनी गाड़ी चल पाई है हमारी। तो भाई जिसको भी जिक्सर लेनी हो मैं फुल रिकमेंडेड हूँ भाई, जिक्सर लो, बेझिझक लो भाई, मज़ा देगी तुम्हें पूरा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें। तो अगर आप लेना चाह रहे हो जिक्सर तो भाई बेझिझक लो। और जिसको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक चीज़ और बोलूँगा भाई, कभी भी गाड़ी लो अपनी एवरेज जरूर चेक करो ताकि आपको एक एग्जैक्ट आइडिया मिल जाए कि गाड़ी कितनी चल रही है हमारी। तो ये आज की वीडियो से मैंने भी पहली बार चेक करी, मुझे पता नहीं था, तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट अच्छा है। और मैं ये चाहूँगा कि अगर जिसको भी जिक्सर लेने हो, जिसने ले भी रखे हो, बेझिझक लो भाई, आपको प्रॉफिट ही होगा, नुकसान नहीं होगा इस चीज़ से। बाकी गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और वीडियो में प्लीज़ कमेंट कर देना, जिसको भी कुछ पूछना हो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूँगा।